एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर ममता। सो यार, कैसे आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। गाइस, जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ ही लिया है कि आज की पूरी वीडियो फिर से एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है बिटवीन टू हेयर ऑयल जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक हर सीजन में यूज करते हैं ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कंपैरिजन वीडियो बना दिया जाए कि कौन कौन सा अच्छा इन दोनों में से। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट द वीडियो। लेकिन वीडियो पे मूव ऑन करने से पहले अगर अभी चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो गाइस, आज जो दो हेयर ऑयल का हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी को हेयर ग्रोथ चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ कंपेयर करने वाली कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो फर्स्ट वन इज ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल एज यू कैन सी, एंड सेकेंड वन इज कैस्टर ऑयल एज यू कैन सी। तो हम इसी का कंपेरिजन करने वाले हैं, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल एज यू कैन सी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 10 rupees फॉर द क्वांटिटी टू 25 ml, मतलब कैसे तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ट्रैवल फ्रेंडली भी है क्योंकि इसकी जो टिप है वो बहुत ज्यादा टाइट है, ये कैरी करने के लिए भी बहुत ज्यादा लाइट है। पैकेजिंग की बात करते हैं तो प्लास्टिक पैकेजिंग में मिल जाता है विद ब्लू एंड व्हाइट कलर एज यू कैन सी। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करते हैं इसमें आपको प्योर कोकोनट ऑयल ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज ऐसी लिखी हुई है, अगर आपका जो कोकोनट ऑयल है एक टेम्परेचर के बाद दैट इज 25 degrees Celsius के बाद अगर ये जमना शुरू हो गया मतलब ये प्योर है। एंड विंटर्स के सीजन में हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑयल है वो डेफिनेटली जम जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ है 3 years और डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग 30,000 इस प्रोडक्ट को आप आराम से यूज कर सकते हो। अब करते हो इसे ओपन, तो ओपन करने के बाद ना आपका जो ऑयल है वो मिल जाता है। एज यू कैन सी कि ऑयल बहुत ज्यादा फ्लोई है, काफी ज्यादा लाइट टेक्सचर है इसका एंड ट्रांसपेरेंट सा ऑयल है। बहुत जल्दी आपके स्किन, हेयर, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लिटरली अच्छी है एंड काफी ज्यादा हेयर को सॉफ्ट कर देता है। कोकोनट ऑयल हम सब जानते हैं हमारे हेयर को ग्रो करने में, लॉन्ग करने में, शाइनी बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एट द सेम टाइम ये डैंड्रफ को भी रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए हम हमेशा कोकोनट ऑयल ही प्रीफर करते हैं क्योंकि ये इजी टू लेना भी होता है, एट द सेम टाइम इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल खत्म होता है। ये इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा, लाइक आप कह सकते हो बहुत पतला सा टेक्सचर है, सो इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग है वो ट्रांसपेरेंट सी बॉटल में मिल जाता है एज यू कैन सी। प्लास्टिक की पैकेजिंग है नॉर्मल सी, इसको दूसरी भाषा में हम एरंडी का तेल भी बोलते हैं। ये स्लाइटली थिक होता है, ये हम आगे देखते हैं कि कितना थिक होता है और कितना नहीं। ठीक है, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 85 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 100 ml, मतलब आपके सबसे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है क्योंकि आपको हमेशा डिस्काउंट में ही मिल जाता है, लाइक मैंने भी इसको डिस्काउंट में ही लिया। शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ 3 years फॉर डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग, 3 साल तक इस प्रोडक्ट आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, एनी टाइट भी है तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है। अब करते हैं इसे ओपन, तो ओपन करने के बाद आपको जो ऑयल है वो मिल जाता है। गाइस, आप देख सकते हो कि अगर कंपैरिजन करें तो कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिर रहा था एंड ये बहुत ज्यादा थिक है, लाइक इसका जो टेक्सचर है वो इतना चिपचिपा है, बहुत ज्यादा थिक है। एज यू कैन सी आपको फील ही हो रहा होगा। एंड इसका फ्रेग्रेंस भी इतना कुछ खास नहीं है, लाइक लिटरली इतना कुछ खास नहीं है, लाइक फ्रेग्रेंस ही नहीं है आप ऐसा बोल सकते हो। कैस्टर ऑयल हम सब जानते हैं कि हमारे हेयर को थिक करने में, लॉन्ग करने में एंड लस्ट्रस बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसका हम यूज स्किन केयर में भी करते हैं, बट अभी हम स्किन केयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हेयर के लिए आपके हेयर को लॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अभी जैसे मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा थिक होता है, तो हम ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये जो बाकी लोग हैं, वो हमेशा इसको किसी कैरियर ऑयल के साथ प्रेफर करते हैं, अदर आलमंड ऑयल, अदर कोकोनट ऑयल। अब मैं अगर बात करूँ तो मैं दोनों भी यूज नहीं करती, लाइक स्टार्टिंग में तो यूज करती थी फॉर श्योर हेयर को लॉन्ग करने के लिए। डेफिनेटली मैं आज भी कोकोनट ऑयल को एक बार के लिए यूज करती हूँ, बट कैस्टर ऑयल को नहीं, बिकॉज मेरी जो हेयर पोरोसिटी है वो लो की तरफ जाती है, तो ये मेरे बालों में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, फिर लगा के क्या ही मतलब है, तो मैंने तो इसको अवॉइड कर दिया है। अगर आपकी भी हेयर लो पोरोसिटी की तरफ जाती है ना, तो डेफिनेटली इस हेयर ऑयल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी हेयर पोरोसिटी हाई की तरफ जाती है या मीडियम की तरफ जाती है तो बेस्ट है फॉर हेयर ग्रोथ। दोनों ही अमेजिंग है, ये स्लाइटली थिक होने के कारण इसके साथ इसको मिक्स किया जाता है फॉर दैट गुड टेक्सचर। सो गाइस, दोनों को ही अगर बाय करना होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज ये किसी भी मेडिकल स्टोर में, जनरल स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो यार, आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूं स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।